यूपी के रामपुर में पायल की मौत का खुलासा होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। पायल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। वहीं सपा नेता आजम खान उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्यपाल और रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो एक जनरल लॉ है वो ये है, जहां से जुर्म का वाहन मिलेगा वहां से जुर्म का व्यक्ति मिलेगा। जहां वाहन मिला था वही जुर्म का स्थान था और वही जुर्म के व्यक्ति थे। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि इसमें इतना डिले इसलिए हुआ कि सीधे राज्यपाल का इनॉलमेंट इसमें हो गया, और उसका प्रमाण यह है कि आज ही पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी ने मीडिया से ये कहा है कि लड़की ही खराब थी, और वो जहां रिश्ता हुआ था लड़का का उसके यहां पहुंच गई और ये कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। हम जानना चाहेंगे कि मी टू के तहत तो भाई बंद करो, फांसियां देने की बात हो रही है, और कोई लड़की अगर अपना अधिकार मांगने के लिए जाए और ये कहे कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो इसके लिए लड़की खराब हो गई। अपराधी और कातिल को बचाने के लिए, क्योंकि सिफारिश बहुत ऊपर की है और इसमें बहुत लोग मुजरिम हैं जो बचाए गए हैं, बिल्कुल मोटी बात है, जहां से वाहन बरामद हुआ वहीं से व्यक्ति बरा, जिस जगह वाहन था वो जगह भी मुजरिम है, उस जगह का स्वामी भी मुजरिम है। पुलिस बचा रही है और पुलिस केस को खराब करने की कोशिश करेगी।